नमस्कार, मी पूजा। आपण पाहत आहात भारतीय जनमत न्यूज चॅनल। आजच्या ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा। बाबा कांबले सहित कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर रिहा कर दिया। जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, बाबा कांबले पीछे नहीं हटेंगे। देश भर में ड्राइवर्स को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के दरबार में पेश होने पर भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए ड्राइवरों ने कड़ा विरोध जताने का फैसला किया। ओनेटो, टैक्सी, बस, ट्रक, टेम्पो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबले ने कहा, लेकिन अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करेगी और गोली मारेगी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बाबा कांबले ने कहा कि जब तक देश के 25 करोड़ ड्राइवरों को न्याय नहीं मिल जाता, हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि यह आंदोलन जारी रहेगा। सभी कार्यकर्ताओं की रिहाई के बाद बाबा कांबले ने कहा, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून को वापस लेने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूँ, लेकिन हमारी अन्य मांगों पर बार बार विरोध जताने के बाद भी सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं अपनाया है। हमारे सवाल, हमारी मांगें नहीं मानी गईं। इसके चलते देश भर में तमाम संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। उन्होंने विरोध करने का फैसला किया। बाबा कांबले ने कहा कि देश में 25 करोड़ ड्राइवर हैं और उनके लिए एक राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बोर्ड, ड्राइवर दिवस, ड्राइवरों के लिए काम के घंटों के लिए उचित वेतन और कई अन्य मांगों पर विचार किया जाना चाहिए।